दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। पुरानी खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया। कैद का जिक्र करके आप उनको मुत्तकी समझते हैं, आपकी मुंह की बड़बड़ है, आपका कोई मकाम नहीं, कोई हैसियत नहीं, समझ आई? अतका कुरान कह रहा है जिसको, उसको समझना चाहिए कि मुत्तकी कौन है। फातिमा के तकवा को अबू बकर जानता है, सिद्दीक जानता है जी, और फातिमा उस इंसान को जानती है जिसको कुरान ने अटका कहा। और मुझे ये बताएं कि जो कहते हैं कि सैयदा अपना हक मांगे फदक लेने गई और उन्होंने निकाल दिया तो सैयदा रोती रही, मुझे बताएं कि सैयदा का कुरान पर ईमान था कि नहीं, बोले हाथ उठाए। हाँ, जिसका कुरान पर ईमान ना हो वो काफिर है कि नहीं? चाहे कोई भी हो, चाहे साहबा हो, अहले बैत हो, रसूल हो, क्यों? रसूल का ईमान लाना भी जरूरी है। आमनर रसूल हो बेमा उन जिला रब ही बल मोमिनून, ईमान पहले ये रसूल लाया जिस पर कुरान उतर रहा है, उस पर लाजमी है कि जो उस पर वो उतरे पहले मोमिन अव्वल वो हो, ईमान वो लाए। ये भी कुरान है तो रसूल मोमिन अव्वल है, तो ईमान कौन लाया? रसूल लाया। तो कुरान जो ना माने, आप ये बताएं अगर बेफज़ माल आपका ये मसला ठीक है, रिवायत ठीक है, तो फिर उसके बाद सैयदा आयशा ने के दिल में अबू बकर का बुग्ज़ होना चाहिए, उसके बाद उन्हें पता था कि ये आयत उनके लिए उतरी है तो उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया हो। जिसे जब बकरन बिक्र हो गए, वो मेरा खामद अलीजा मौजूद है, हसन ते हुसैन मौजूद हैं, जिसे बिरादरी सारी बैठी है, ते अतका वो बकरा आ गया तू, जेड़ा सर पुछता उसे मिलना पे ते सी डायरेक्ट ने जमिया कर समझ आई ना? कोई आयत फातिमा दुज़ारा कोई रवायत पैदा करे कि ये आयत पढ़नी छोड़ दी हो, अली उल मुर्तज़ा ने पढ़नी छोड़ दी हो, किसी साहबी ने अहले बैत में से किसी ने मुसल्ले में पहना सुनाई हो, वल्लाह मद खिंजीर व मा हो इल्ला बिही गैर अल्लाह पढ़ गए थे ये छोड़ गए, जिस नाम है नाम हुए के ना 40 साल 40 दिहाड़े ज़बान पलीत रहनी, कुरान में चाह में जब तुसी आफत भी ओ ही पढ़ने में माओ हिला लही बगैर लगैर लवत अमल खंजीरे तबत यदा अबीला हबे मताब हुजूर ने दुश्मन अकर दे नाम ही कहना है ऐसी कुरान में चाह गया के करा इस चाचे ना जरा ना किन्ने ते दिल नहीं करना पर हुन कुरान में चाह गया। सुनो एक गल मैं करना रे मौलाइयो मजा आसी ने एक एक जुमला तो सारी नजर भी करना गल मैं के कर लगा ओए गल सुनो अबू लाबा ना कह के अल्लाह अल्लाह नत पाई है ओए हाथ टूटया तबत यदा अभी लाबे मतब सारी उम्र दुश्मनी करना रे करना रहा कि नहीं बोलो ना तुस आपको बिल भी आना करना रहा ना अबू तालब देखो रसूला वालिद ने फौत होने तो बाद पालिया किस अबू तालब पालिया तू शिरक ना झगड़ा कहने के बैठा है ईमान आंदा कि नहीं तू कौन है आगा।
तू कौन है? उस चाचियां ते बुलाया, पहाड़ उतरे, अंदर आओ सारे। उस आके आता और दाना लिहादा, ओए हाथ टूटे तब बंदा, ओ मोहम्मद महाद अल्लाह, कड़े हाथ टूटे सौर ते बुलाई, आप चुप कर। बड़े मैं के आखा, जिहड़ा अल्लाह अकबर है सब तू वड्डा स्वागत, तू चुप कर जवाब मैं दे सारे। समझ आई? उथे तो दूर खलो के उस आख्या ना दावत दी, किसने तो कने कोल भी नहीं के आख्या। रसूल की मोहब्बत ना कोई मकाम नहीं। एक अबू तालिब अल्लाह ना शिरक कर छोड़िया, अल्लाह को थोड़ बह गया। मैं तुसा दी नमाजा आसमान चाया, तुसा दी तौहीद चाया, कदे उस नहीं भी मनिया। ओए गल सुन, मैं सीधा जा बना कमली वाले नाल जेड़ी मोहब्बत अबू तालिब कीती है, अल्लाह सा जाया नहीं करो लग गई। गल सुन, उसकी वजह केवे रवायता पढ़ बबी भी पढ़ने नहीं। वो आनन अंगूठा जिस नाल आजाद कीती है सबाबा लोंडी ऐसा मिली ना अबू तालिब, हुण भी जन्म विच सवारे आले दिहाड़े उस मिठा पानी से ठंडा मिलता। सारे मंगे हो कि नहीं? शिरक के बावजूद जिसका जिसका हम बोली नजर हो गए देव लगे जवाब ताकी की के जिसका कुफर और शिरक कती है, कती है सबूत और कती है दलाल है। अबू ऐसा अबू लाब का उस हां इतनी अंदर आकल जो है तो मैंने पत्रिये नहीं खबर दीती है सऊदिया जा अल्लाह वो पसंद आ गई। अगर भाई मैंने इस नबी और प्यारे ने खुशी जिस गल सुनो वो एक मुशरक जावे एक मैं जुमला दे माफ करना नहीं देने पे मुशरक जावे अंगल शिरक के बावजूद सवारे मिले पानी ठंडा खुशी करे रसूल ने तो सजने इलामे नबूवत कीता ही नहीं।